उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के कुछ बयान बड़े हास्यास्पद होते हैं, तो उसको हंसी में उड़ाया जा सकता है, पर ये एक बहुत गंभीर बयान है और इसकी गंभीरता इस चीज़ से झलकती है कि उनको भी इस बात का संज्ञान है कि देश में नौकरी नहीं है। वो युवाओं को क्या कहना चाह रहे हैं? इस बयान में जो छुपा हुआ संदेश है, वो छुपा हुआ संदेश ये है कि ना अर्थव्यवस्था हमारे नियंत्रण में है, ना हम आपको रोजगार दे सकते हैं। अगर आप डिग्री ले रहे हैं तो ये आप अपने खतरे पे ले रहे हैं, उसके बाद हमारे पास मत आइए ये कहने के लिए कि हमारे पास डिग्री है, हमको नौकरी दीजिए। इस बयान का ये मतलब है और ये इस चीज को प्रमाणित करता है जो बात हम पिछले 15 मिनट से कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही गहरा संकट है। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने आज एक खुलासा किया है और उनको मुबारकबाद भी देनी चाहिए कि इस सरकार में जो अर्थव्यवस्था की हालात है उसके बारे में किसी ने सच बोला है। और उन्होंने ये कहा है कि ऐसी परिस्थिति पिछले 70 साल में कभी उत्पन्न नहीं हुई जो अर्थव्यवस्था की परिस्थिति आज है। अब एनडीए भाजपा सरकार के लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को दोषी ठहराना चाहेंगे इसके लिए, पर ये ना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कारण है और ना कांग्रेस पार्टी के कारण है। ये परिस्थिति पिछले 5 साल में इस सरकार ने खुद पैदा की है और इसकी जो जड़ है, इसकी जड़ उन दो फैसलों में है। एक जो नोटबंदी का फैसला था जिसके परिणाम आज तक ये मुल्क भुगत रहा है, और दूसरा जिस बिना सोचे समझे तरीके से जीएसटी लागू किया गया, वन नेशन वन टैक्स। वन नेशन वन टैक्स ने भारत की अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़ा के रख दी है, पर कच्चे उड़ा दिए हैं भारत की अर्थव्यवस्था के इन दोनों फैसलों ने। आप कोई भी क्षेत्र ले लीजिए, टेक्सटाइल का क्षेत्र ले लीजिए, चाय का क्षेत्र ले लीजिए, जो इनरवियर इंडस्ट्री है उसको संज्ञान में ले लीजिए, जो बिस्कुट बनाने वाले हैं उनकी बात कर लीजिए, जो गाड़ी मोटरसाइकिल बनाने बेचने वाले हैं उनकी हालात के ऊपर अगर आप एक नजर डालें, आज भारत में कोई ऐसा औद्योगिक क्षेत्र नहीं है जिसमें बहुत गंभीर समस्या नहीं है। 3 करोड़ लोगों के सर के ऊपर आज तलवार लटक रही है कि कल वो बेरोजगार हो सकते हैं। आज ही बिस्किट बनाने वाले जो कंपनी है पार्ले जी, उसने 10,000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। और ये जो सारी कहानी है ये सिर्फ रोजगार के ऊपर खत्म नहीं होती। जो रुपया है, बड़े बड़े बयान सरकार की तरफ से आते थे जब ये लोग विपक्ष में थे कि रुपया बढ़ रहा है, रुपया बढ़ रहा है।
आज रुपया एशिया में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी है, 72 है डॉलर के बनस्पत। जीडीपी का जो वृद्धि दर है वो आज बिल्कुल निचाई छो रहा है, 5.8% है इस क्वार्टर में, और अगर जीडीपी के पुराने बेस रेट पर लिया जाए तो इसका यह मतलब है कि 3.5% ये भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। सो कुल मिलाकर परिस्थिति यह है कि ना प्रधानमंत्री को, ना उनके वित्त मंत्री को, ना उनके वाणिज्य मंत्री को, और ना इस पूरी सरकार को यह मालूम है कि इस परिस्थिति के साथ किस तरह से निपटा जाए। एक बयान इस संकट की घड़ी में, जब भारत की अर्थव्यवस्था के ऊपर काले बादल मंडरा रहे हैं, एक बयान प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री की तरफ से नहीं आया है। और रोज सरकार की तरफ से द्वेष से प्रेरित राजनीति पूरे मुल्क में एक अनडिक्लेयर्ड आपातकाल, लोगों को नजरबंद करना, इस सब का सिर्फ एक उद्देश्य है कि किस तरह से मुल्क का ध्यान जो गहराता हुआ आर्थिक संकट है उससे किस तरह से ओझल किया जाए। देखिए ऐसा है कि हमारी चिंता भारत के नौजवानों के लिए है, हमारी चिंता भारत की उस पीढ़ी के लिए है जो महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से पढ़कर निकल रही है कि उनको रोजगार कैसे मिलेगा। और आज परिस्थिति ये है कि जिनको रोजगार मिला हुआ है वो भी बेरोजगार किए जा रहे हैं। जिस सरकार ने वायदा किया था कि हम 10 करोड़ नई नौकरियां देंगे 5 साल में, चलो वो वायदे को तो उन्होंने दरकिनार कर दिया, पर आज सरकार इस बात पे तुली हुई है कि भारत के नौजवान को किस तरह से बेरोजगार किया जाए, ये हमारी चिंता है।